भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए अब जनता की आवाज संस्था मैदान में उतर गई है। संस्था के पदाधिकारियों ने निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि निगम में पिछले 4 सालों में कचरा व सैनिटेशन के मामले में 25 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे में भी करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं। इसमें न सिर्फ जनता द्वारा दिए जा रहे टैक्स की बर्बादी हो रही है तो वहीं राजस्व को भी नुकसान हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि अब हर वार्ड से 4 लोगों को संस्था के साथ जोड़ा जाएगा और उनको RTI कैसे लगानी है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे लोगों में जागरूकता आएगी तो वहीं अधिकारी से बिना डरे जानकारी प्राप्त होगी। संस्था का एक ही लक्ष्य है कि जनता व सरकार के पैसों का सही से इस्तेमाल किया जाए। नगर निगम व सरकारी विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए समाज सेवी व RTI एक्टिविस्ट एकजुट हुए हैं। यमुनानगर में जनता की आवाज संस्था ने प्रेस वार्ता कर नगर निगम में सफाई व कमर्शियल निर्माण को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हमने एक संगठन तैयार किया है जिसका नाम है जनता की आवाज, और इस संगठन का मेन मोटिव यही है कि हम चाहते हैं कि हर वार्ड से 4 लोग हमारे साथ आएं, जिनको हम RTI की पूरी जानकारी दें कि RTI कैसे लगानी है, उसका क्या बेनिफिट है, कैसे RTI से आपने अपने जवाब लेने हैं सरकार से, अधिकारियों से। और जब पूरा संगठन हमारा तैयार हो जाएगा, लगभग 100 लोग की एक टीम तैयार होगी और हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो कोई भी अधिकारी, कोई भी ME, JE, XCN, SC जो भी डिपार्टमेंट के हैं, उनकी एक जवाबदेही निश्चित हो जाएगी, क्योंकि कागज़ बदल नहीं सकते, कागजों का प्रूफ हमारे पास रहेगा और हमेशा के लिए हम उनको एक बार दोबारा से पूछ सकते हैं, चाहे वो यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएँ, चाहे उनकी रिटायरमेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो बच नहीं पाएंगे कभी भी। तो इसलिए हमने एक संगठन तैयार किया है और अल्टीमेटली हमारा जो एम है वो यही है कि जो जनता के काम है, जो सरकार का पैसा है, उसका सदुपयोग हो, भ्रष्टाचार पे लगाम लगे और जनता को पूरी फैसिलिटी प्रॉपर तरीके से मिल सके। निगम में किस तरीके से भ्रष्टाचार फिलहाल चल रहा है आपकी नज़र? देखिए, निगम का भ्रष्टाचार किसी की नज़रों से छुपा हुआ नहीं है। अभी लेटेस्ट अगर हम बात करें तो जो सब हाउस टैक्स सर्वे हुआ था, उसमें आपको पता ही है कि क्या धांधली मची है। उसके अलावा हम दड़वा डेयरी कॉम्प्लेक्स, औरंगाबाद डेयरी कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं, आज तक कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। सड़कों का हाल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हाल भी आप सब देख ही रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके मुद्दे सब जनता के सामने लाएंगे, विद डॉक्यूमेंट्स लाएंगे और जो भी दिक्कत है उनको दूर कराया जाएगा। हम पिछले 12 साल से इस फील्ड में हैं और हमारे पास तकरीबन 10,000 के आसपास पेपर हैं जो नगर निगम, PWD और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। तो हमारी टीम और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। कुछ शिकायतें जो हैं वो चंडीगढ़ पेंडिंग हैं और कुछ पे कार्रवाई हो चुकी है। कम से कम इस RTI के थ्रू जो सूचनाएं लेने का असर ये हुआ है कि कुछ अफसर अपनी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। कुछ अभी बेलगाम हैं लेकिन हम अपना संगठन बढ़ा रहे हैं तो वो सभी अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और आखिरकार जो इसका फ़ायदा है वो जनता को होगा। हम चाहते हैं कि जनता के प्रति जो अफसरों की जवाबदेही है वो निश्चित हो और उन्हें अपनी जवाबदेही के बारे में जागरूकता करें, जनता को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करें, तभी ये काम सुचारू रूप से होंगे। क्योंकि जनता के जो कर का पैसा है वो बेकार नहीं होना चाहिए। जो डम्मी और जो झूठे टेंडर ME, JE बना रहे हैं, हम उन सब के ऊपर नज़र रख रहे हैं। अगर आज कार्रवाई नहीं भी होती है ना, तो जब भी भविष्य में सरकार बदलेगी कार्रवाई तो करवा के हटेंगे, चाहे 20 साल पुराना केस हो, हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी आपने ऊपर एक बात कही थी क्या? जी बिल्कुल, सफाई व्यवस्था में कचरा कलेक्शन कैल प्लांट को लेकर और जो सैनिटेशन का सिस्टम है उसके अंदर पिछले 4 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए का जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है। उसके कागज़ हमारे पास हैं, उन कागज़ों को तैयार करके सरकार के पास भेजा जा रहा है। हमारे पास इस बात के वीडियो प्रूफ हैं कि जो क्लासिक मैन पावर कंपनी थी, उन्होंने JCB के थ्रू पुराना जो डंप किया था कचरा वो भरवा के ट्रालियों में दोबारा वेट करवाया है। और जो कैल प्लांट का रिक्लामेशन का प्रोसेस है उसकी टाइमलाइन 6 महीने के आसपास थी, उसको भी 2 साल होने को हो गए हैं। और उसके अंदर जो पुराना कचरा था उसकी बजाय साथ में फ्रेश जो कचरा गिरा गया है उसको भी वजन पूरा करने के लिए ये भ्रष्टाचार चल रहा है। क्योंकि जितना वजन उन्होंने 1,14,000 टन के आसपास कैलकुलेट किया था, उतना तो वजन ही नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो सिर्फ 30,000 टन के आसपास कचरा था, इन्होंने उसको 4 गुना बढ़ा करके, जो उस टाइम संबंधित एक्सियन थे मेरे ख्याल से, शायद विकास बाल्यान थे, तो उन्होंने ये करके ही इतना सारा इसको सब बना दिया है। और सरासर जनता के पैसों की लूट है जो आने वाले भविष्य में हम नहीं होने देंगे।
हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइफ हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइफ हरियाणा पेज को लाइक करें।